जनपद आगरा के थाना इरादत नगर क्षेत्र के ग्वालियर हाईवे स्थित श्यामलाल की बगिया पर उस समय चीख पुकार मच गई जब खेत की रखवाली करके अपने घर लौट रहे युवक को अज्ञात कार ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची डायल 112 नंबर पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और अग्रिम कार्यवाही में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक रामजी लाल पुत्र नथी लाल निवासी श्यामलाल की बगिया थाना इरादत नगर अपने खेत पर आवारा पशुओं की रखवाली करता था। रामजी लाल अपने खेतों पर से रखवाली करके अपने घर वापस आ रहा था, तभी अचानक ग्वालियर हाईवे रोड को पार करते समय तेज गति की रफ्तार से आ रही अज्ञात कार ने उसे टक्कर मार दी जिससे युवक की मौत हो गई। इनको नाम रामीलाल भैया है, रामीलाल भैया बड़े भाई हैं हमारे, रोड क्रॉस कर रहे हैं, रोड क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट देखे वो गाड़ी वाला। एक्सीडेंट किस चीज़ से हुआ? कार से हुआ था। कार से? आपने कार को देखा? देखा। कार का नंबर लिया? नहीं है। इनकी उम्र कितनी है? उम्र करीब 40-42 साल की? नहीं नहीं, 56 साल के आसपास, 55 साल की करीब होगी, 56 साल के लंबा। तो अभी ये जाम किस लिए किया गया है? चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग एकत्रित हो गए और स्थानीय लोगों ने सूचना डायल 112 नंबर पर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिया और अग्रिम कार्यवाही में जुट गई। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से गजेंद्र तोमर की रिपोर्ट।